नमस्कार, मैं हूँ सनी कुमार। आप सुन रहे हैं सनी हिंदी कहानियाँ पर, प्रेरक किस्सों और कहानियों के खजाने में से एक और कहानी। आज के कहानी का सारांश है कोयले का टुकड़ा। अमित एक मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का था। वह बचपन से ही बड़ा आज्ञाकारी और मेहनती छात्र था, लेकिन जब से उसने कॉलेज में दाखिला लिया था, उसका व्यवहार बदलने लगा था। अब ना तो वो पहले की तरह मेहनत करता और ना इंस्पिरेशनल हिंदी ही अपने माँ बाप की सुनता। यहाँ तक कि वो घर वालों से झूठ बोलकर पैसे भी लेने लगा था। उसका बदला हुआ आचरण सभी के लिए चिंता का विषय था। जब इसकी वजह जानने की कोशिश की गई, तो पता चला कि अमित बुरी संगति में पड़ गया है। कॉलेज में उसके कुछ ऐसे मित्र बन गए हैं जो फिजूल खर्ची करने, सिनेमा देखने और धूम्रपान करने के आदि हैं। पता चलते ही सभी ने अमित को ऐसी दोस्ती छोड़ पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देने को कहा, पर अमित का इन बातों से कोई असर नहीं पड़ता। उसका बस एक ही जवाब होता, मुझे अच्छे बुरे की समझ है, मैं भले ही ऐसे लड़कों के साथ रहता हूँ पर मुझ पर उनका कोई असर नहीं होता। दिन ऐसे ही बीतते गए और धीरे धीरे परीक्षा के दिन आ गए। अमित ने परीक्षा से ठीक पहले कुछ मेहनत की, पर वो पर्याप्त नहीं थी। वह एक विषय में फेल हो गया। हमेशा अच्छे नंबरों से पास होने वाले अमित के लिए ये किसी जोरदार झटके से कम नहीं था। वह बिल्कुल टूट सा गया। अब ना तो वह घर से निकलता और ना ही किसी से बात करता, बस दिन रात अपने कमरे में पड़े कुछ सोचता रहता। उसकी यह स्थिति देख परिवारजन और भी चिंता में पड़ गए। सभी ने उसे पिछला रिजल्ट भूल आगे से मेहनत करने की सलाह दी, पर अमित को तो मानो सांप सूंघ चुका था। फेल होने के दुख से वो उबर नहीं पा रहा था। जब ये बात अमित के पिछले स्कूल के प्रिंसिपल को पता चली तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। अमित उनके प्रिय छात्रों में से एक था और उसकी यह स्थिति जान उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने निश्चय किया को वो अमित को इस स्थिति से जरूर निकालेंगे। इसी प्रयोजन से उन्होंने एक दिन अमित को अपने घर बुलाया। प्रिंसिपल साहब बाहर बैठे अंगीठी ताप रहे थे। अमित उनके बगल में बैठ गया। अमित बिल्कुल चुप था और प्रिंसिपल साहब भी कुछ नहीं बोल रहे थे। 10-15 मिनट ऐसे ही बीत गए पर किसी ने एक शब्द नहीं कहा। फिर अचानक प्रिंसिपल साहब उठे और चिमटे से कोयले के एक धधकते टुकड़े को निकाल मिट्टी में डाल दिया। वह टुकड़ा कुछ देर तो गर्मी देता रहा, पर अंततः ठंडा पड़ बुझ गया। यह देख अमित कुछ उत्सुक हुआ और बोला, प्रिंसिपल साहब, आपने उस टुकड़े को मिट्टी में क्यों डाल दिया? ऐसे तो वो बेकार हो गया। अगर आप उसे अंगीठी में ही रहने देते तो अन्य टुकड़ों की तरह वो भी गर्मी देने के काम आता। प्रिंसिपल साहब मुस्कुराए और बोले, बेटा, कुछ देर अंगीठी में बाहर रहने से वो टुकड़ा बेकार नहीं हुआ। लो, मैं उसे दोबारा अंगीठी में डाल देता हूँ। और ऐसा कहते हुए उन्होंने टुकड़ा अंगीठी में डाल दिया। अंगीठी में जाते ही वह टुकड़ा वापस धधक कर जलने लगा और पुनः गर्मी प्रदान करने लगा। कुछ समझे अमित? प्रिंसिपल साहब बोले, तुम उस कोयले के टुकड़े के समान ही तो हो। पहले जब तुम अच्छी संगति में रहते थे, मेहनत करते थे, माता पिता का कहना मानते थे, तो अच्छे नंबरों से पास होते थे। पर जैस वो टुकड़ा कुछ देर के लिए मिट्टी में चला गया और बुझ गया, तुम भी गलत संगति में पड़ गए और परिणाम स्वरूप फेल हो गए। पर यहाँ जरूरी बात ये है कि एक बार फेल होने से तुम्हारे अंदर के वो सारे गुण समाप्त नहीं हो गए। जैसे कोयले का वो टुकड़ा कुछ देर मिट्टी में पड़े होने के बावजूद बेकार नहीं हुआ और अंगीठी में वापस डालने पर धधक कर जल उठा, ठीक उसी तरह तुम भी वापस अच्छी संगति में जाकर मेहनत कर एक बार फिर मेधावी छात्रों की श्रेणी में आ सकते हो। याद रखो, मनुष्य ईश्वर की बनाई सर्वश्रेष्ठ कृति है। उसके अंदर बड़ी से बड़ी हार को भी जीत में बदलने की ताकत है। उस ताकत को पहचानो, उसकी दी हुई असीम शक्तियों का प्रयोग करो और इस जीवन को सार्थक बनाओ। अमित समझ चुका था कि उसे क्या करना है। वह चुपचाप उठा, प्रिंसिपल साहब के चरण स्पर्श किए और निकल पड़ा अपना भविष्य बनाने। अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई है तो इसे अपने दोस्तों परिवार से जरूर साझा करें और बच्चों को सुनने का मौका दें।
हमारी इस खास कहानी में जीने का एक अलग नजरिया है जो हर उम्र के लोगों को प्रेरित करेगा। हमारे चैनल के माध्यम से हम और बेहतरीन और दिलचस्प कहानियाँ लाते रहेंगे। तो विचार करें, हमें सब्सक्राइब करें और इस शानदार सफर का हिस्सा बनें। इस कहानी को और फिल्म के पीछे की विनम्रता आपके दिल को छू जाएगी। आखिर में अपने प्रियजनों के साथ इस मीठी कहानी का लुत्फ उठाएं।